अरे तुम्हारा सब कुछ छिन रहा है, अपने समाज को एकजुट करो, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ो, वरना आप याद रखना जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था वो आपका छिन रहा है। वो अब जन जन की आवाज बन करके एक बहुत बड़ा विप्लव शुरू होगा जो मोदी साहब और आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा करेगा 2024 में उनको सत्ता आने के लिए। निश्चित तौर पर संविधान पर अटैक हो नहीं सकता, हो रहा है ऑलरेडी। वो एजुकेशन को महंगा करके हमारे लोगों से एजुकेशन छीन चुके हैं, और साथ ही साथ देश में ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारी नौकरियां भी छीन चुके हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि हम लोग सम्मान का जीवन खो दें। मैं इस समय मुरैना में हूँ जहाँ एक बड़ा पैदल मार्च का आयोजन हो रहा है, और देख रहे हैं कि अभी उससे पहले कार्यक्रम है, तमाम मेहमानों से अवगत कराऊंगा। और सोचिए देश भर में बहुजन आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं इस समय मध्य प्रदेश के मुरैना में हूँ जहाँ से बैकलॉग में भर्ती पदोन्नति में प्रतिनिधि 2 अप्रैल 2018 के सभी झूठे केस वापस करो, बौद्ध भिक्खु और बिहारों पर हमले बंद करो, भूमिहीनों को पट्टे दो, सफाई कर्मियों को आधुनिक उपकरण दो एवं शिविर में उतर का सफाई करना बंद करो, रोजगार की योजनाएं चालू करो, शहरिया भाषाई शिक्षकों की सेवा बहाल करो, निजीकरण बंद करो, SC ST पर अत्याचार बंद हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर मुरैना से मध्य प्रदेश तक पैदल मार्च किया, नेतृत्व कर रहे हैं आप राजवीर अग्निहोत्री। सोचिए मध्य प्रदेश में चुनाव है और लगातार OBC महासभा हो, भीम आर्मी हो, जयस हो, तमाम जो बहुजन संगठन है वो एकजुट हो रहे हैं, देश भर में बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, और इसका नतीजा है कि देश भर में लोग आंदोलन बढ़ रहा है। दिल्ली से चलकर राजेंद्र पाल गौतम आए हैं, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री हैं, भंते दीपांकर सुमेधो भी हैं, और उनसे ही बात करूंगा जो राजवीर जी हैं। तो ये पहले उनसे शुरुआत करते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग भी आए हैं, उनसे भी बात करके आपको अवगत कराऊंगा। सर कैसे देख रहे हैं पूरे देश में आंदोलन बढ़ रहा है? मैं इसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता हूं, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबराय भारत के संविधान की बदलने की बात कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा सा मतलब है बहुजन समाज के जो लोग हैं SC ST OBC वर्ग के, उनको हक अधिकार ना मिले, उन्हें सत्ता में और संसाधनों में भागीदारी ना मिले, क्योंकि ये बाबा साहेब का संविधान उनको भागीदारी देता है और ये उनको पच नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि SC ST OBC के लोगों को भागीदारी मिले। तो आपको लग रहा है कि संविधान पर भी अटैक हो सकता है? निश्चित तौर पर संविधान पर अटैक हो नहीं सकता, हो रहा है ऑलरेडी। वो एजुकेशन को महंगा करके हमारे लोगों से एजुकेशन छीन चुके हैं, और साथ ही साथ देश में ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारी नौकरियां भी छीन चुके हैं, और अब वो ये चाहते हैं कि हम लोग सम्मान का जीवन खो दें, फिर से हम गुलामी स्वीकार कर लें जैसे हजारों साल हमने उनके सामने गुलामी झेली है और हमेशा चाकरी की है, उनकी सेवा की है, क्योंकि मनुस्मृति हमें सेवा का ही केवल निर्धारित करते कि आपका काम है इन चारों वर्णों की सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा। रास्ता क्या है सर, अगर संविधान एक बचना था, अगर संविधान भी खत्म हो गया तो क्या होगा, और रास्ता क्या है संविधान बचाने का? संविधान बचाने का रास्ता ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में हम लोग फिर एकजुट होकर पूरे देश के बहुजन SC ST OBC के लोग एकजुट होकर अपने पहले तो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ें, देश के प्रजातंत्र और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ें, और साथ ही साथ जो कुछ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलवाया था, जो धीरे धीरे इन्होंने 70% छीन लिया है, उसको वापस लेना होगा। और ऐसे लोग जो देवाशीष देव जो ऐसे लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का बहुत सख्त विरोध करने की ज़रूरत है जो बार बार संविधान पर हमला कर रहे हैं या जाति के नाम पर हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे कथावाचक जैसे भी एक आपने देखा होगा, एक वो साधु है पंडोरकर करके, वो कह रहा है कि तुम नौवाओ हम ब्राह्मण हैं और मुर्गा बन, और मंच पे सबके सामने वो उसको मुर्गा बना रहा है, अपमानित कर रहा है। तो ये आखिर इतनी हिम्मत उनमें आ कहाँ से जाती है? ये शायद इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम ही लोग इन सारे कथावाचकों को मजबूत कर रहे हैं, हम ही लोग इनकी इनके कार्यस्थलों पर भीड़ बढ़ा रहे हैं। क्या ज़रूरत है कथावाचक के पास जाने की? अरे तुम्हारा सब कुछ छिन रहा है, अपने समाज को एकजुट करो, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ो, वरना आप याद रखना जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था वो आपका छिन रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में दरबारों की बड़ी परंपरा है, सरकारों की, कॉमरेड है मेरे साथ, आपके मध्य प्रदेश में सरकारें बहुत चलती हैं, धीरेन्द्र सरकार, पंडरना सरकार,
सरकारें तो चल रही हैं, परंतु जिस तरह से चलना चाहिए ये बीजेपी की सरकार, वो अच्छे तरह से नहीं चल रही। जैसा कि हमने बताया, कांड में फंसा हुआ है बहुजन यहाँ, नहीं बहुजन तो फंसा हुआ है कांड में, ऐसा नहीं है, परंतु बन रहा है। हाँ बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि अपने हकों अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और उठ के खड़े भी हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तमाम लोग हैं मंच पर। भंते सुमेध भी आए हैं, भंते सुमेध भी हैं मेरे साथ। भंते जी आप भी आए हैं, क्या है, क्या लगेगा? मध्य प्रदेश में तो बहुजन समाज दरबारों के चक्कर काट रहा है, ऐसा रहा है, लेकिन अब जागृति जो है वो पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश भी बाबा साहब की राह पर करवट लेने जा रहा है, और जो इन्होंने संविधान को बदलने की बात कही है वो अब जन जन की आवाज़ बन करके एक बहुत बड़ा विप्लव शुरू होगा, जो मोदी साहब और आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा करेगा 2024 में उनको सत्ता आने के लिए। राजवीर जी हैं मेरे साथ, और राजवीर जी ने पैदल मार्च का आयोजन किया है। राजवीर जी क्या है आप लोग का रोड में? हम लोग यहाँ से मुरैना से आज पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, ये ग्वालियर शिवपुरी गुना राजगढ़ ब्यावरा होते हुए 10 सितंबर को भोपाल पहुँचेंगे। सरकार ने निजीकरण करके नौकरियां खत्म कर दी हम लोगों की, पदोन्नति में जो प्रतिनिधित्व निपटा दिया, हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, पट्टे थे दिए सरकार ने, पिछली सरकार थी इन्होंने दियो नहीं दिए, तो उनका कब्जे नहीं है और लोग भूमिहीन है। एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही हैं रोज, प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और अभी आपने प्रधानमंत्री के सलाहकार का ये जो बयान सुना होगा, तो प्रधानमंत्री का सलाहकार उन्होंने नियुक्त किया है, अगर वो बोल रहा है तो प्रधानमंत्री की बात बोल रहा है, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण है। आपके पदयात्रा की क्या क्या डिमांड? हमारी पदयात्रा की प्रमुख मांग है, एक तो 1,20,000 के लगभग SC/ST के जो पद हैं उनको निकालो, पदोन्नति में आरक्षण दो, जिनके पास जमीन नहीं है भूमि उन्हें कमजोर लोग हैं इनको पट्टे दो, और सीवर में जो सफाई कर्मी हैं जिनकी मौत हो जाती है उनमें घुसने से, उनको उतारना बंद करो, अगर कोई उतार दे मौत हो जाती है तो संबंधित जो अधिकारी निर्देश है उसके खिलाफ मुकदमा करो। दूसरे बौद्ध विहारों पर जो आप हमले करा रहे हो, असामाजिक तत्व प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक उन पर सख्त कार्रवाई करो, और एक सहरिया जनजाति की कुछ मांगे हैं, शिक्षक हैं उनको पुनः सेवा में लो, और जो एट्रोसिटी है उसको तो रोको आप, एट्रोसिटी को रोकना बड़ा मुद्दा है। मिला हुआ है वो, कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और पैदल आज से आप मार्च करेंगे भोपाल तक, कब तक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 22-23 दिन मार्च करूंगा और 10 सितंबर को भोपाल पहुंचूंगा। पूरे यहां से लेकर पूरे जितने भी जिले पड़ेंगे, हर गांव कस्बे से फोन आ रहा है, जो जिनको जानकारी मिल रही है भैया क्या है, तो सब लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग तन से मन से धन से समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आ नहीं सकते, वो तन दे मन से सपोर्ट कर रहे हैं, धन से सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत लोगों की शुभकामनाएं आ रही हैं, सहयोग आ रहा है, और लोग ये बोल रहे हैं कि बताइए राजवीर जी हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो लोगों का जबरदस्त समर्थन है। तो ये यात्रा मतलब 10 सितंबर को भोपाल में खत्म होगी? बिल्कुल, 10 सितंबर को जयंती मैदान तुलसी नगर में भोपाल में ये यात्रा खत्म होगी। तो ये राजवीर जी हैं जो लगातार इस यात्रा में चलेंगे, और महिलाओं की भागीदारी है, महिलाएं भी यहाँ आई है मंच पर, और हैं कैसे क्या देख रही हैं, कितना बदल रहा है बहुजन समाज, कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है, और मैं रंजेश कुशवाहा महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रांति कुशवाहा समाज से, और राजवीर भैया जो हमारा काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, सैन्य कार्य है, क्योंकि हमारे लोगों को जागृत करने का काम है और जागृत होना चाहिए। तो OBC के लोग भी जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, OBC के लोग भी जागृत हो रहे हैं। तो कह रहे हैं लोग मुख्यमंत्री OBC से हैं यहाँ? नहीं, मुख जो भी हैं, लेकिन हमारे समाज को जागृत होने की ज़रूरत है। देखिए महिलाओं की भागीदारी है तो ये बड़ा कार्यक्रम है, और राजवीर जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुरैना से निकलकर पैदल मार्च करके जाएंगे, और भंते जी हैं मेरे साथ, और भंते जी क्या आप भी पैदल मार्च में शामिल हो रहे हैं? हाँ, मैं भी पैदल मार्च में शामिल हो रहा हूँ जी। ये पैदल आप यहाँ से मतलब मुरैना तक जाएंगे? यहाँ से मुरैना से हम लोग भोपाल जाएंगे,
ये 23 दिन की यात्रा है। हम गांव-गांव जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान नहीं उनकी नीयत बदलने की जरूरत है। क्या मजबूरी आ गई कि अब बहुत भिक्षुओं को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, ये भारत की संस्कृति को बचाने की एक मुहिम है और अगर अब भिक्षु लोग, भिक्षु क्या, मैं मुझे लगता है कि और धर्मों के लोग भी जो धर्म गुरु हैं, चाहे सिख धर्म के हैं, चाहे इस्लाम धर्म के हैं और हिंदू धर्म के भी जो विविधताओं में एकता रखने वाले जो हिंदू धर्म के भी धर्म गुरु लोग हैं, वो भी सड़कों पर आएंगे क्योंकि इस संविधान ने सभी को जीवन दिया है। ये संविधान नहीं है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई के बाद, आज़ादी जिन्होंने लड़ी उन्होंने हमें एक विरासत दी है जिस पर ये चल रहा है, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। भंते जो सुमेधु हैं, भंते सुमेधु जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं तो धीरे धीरे ही सही, बहुजन मीडिया के पास, बहुजनों के पास टीवी अखबार नहीं था लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। मेरे पीछे देखेंगे कि तमाम इस तरह की सभाएं हो रही है बिना संसाधन, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके बाद भी देश भर में बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक है। सोशल मीडिया के बाद खेल बदला है और निश्चल दस्तक की कोशिश है कि दूर दराज के इलाकों में जो आंदोलन चल रहे हैं वो आप तक पहुँचाया जाए। तो किसी समाज की जब तक सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है तब तक उसको राजनीतिक सफलता भी नहीं मिलती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पॉलिटिकल पार्टी को न दिखा पाऊं लेकिन सामाजिक बदलाव को दिखा पाऊं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुरैना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।